नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने जा रहे हैं ये गुप्ता एम्पायर का जो थर्ड वीडियो था, और इसके पहले मैंने गुप्ता एम्पायर से ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एंशियंट हिस्ट्री के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड वीडियो है दोस्तों, और इससे हमारा जो है गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें मेनली हमने वही फैक्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंसीडर किए हुए हैं, ताकि कोई एग्ज़ाम के अलावा कोई भी किसी भी तरह के फैक्ट हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं इस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आप देख पा रहे होंगे आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत लिखा है। और सबसे पहले आपको पता होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? आर्यभट्टीयम लिखा है। और सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि अर्थ जो है रोटेट्स इट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक, एक घूमना मतलब यहाँ पे रोटेशन से है। ठीक है, और एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे। तो आप ये सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट की किताब का नाम पूछा जाता है तो क्या है? आर्यभट्ट की किताब का नाम आर्यभट्टीयम है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका वरामीर। वरामीर, वरामीर ने दोस्तों वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, वृहत जाक, लघु जातक लिखा है। तो वरामीर ने क्या क्या लिखा हुआ है? बृहत संहिता लिखा है, पंच सिद्धांत लिखा है, वृहत जाक लिखा है और लघु जातक लिखा है। अब आप ये समझिए कि ये जो बृहत संहिता है इसमें इन्होंने नक्षत्र विद्या यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल की चर्चा, यानी इतिहास, भूगोल और वनस्पति शास्त्र और साथ में आपके नक्षत्र विद्या का वर्णन किया है इसके इन्होंने। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है ब्रह्मगुप्त। ये नक्षत्र वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? नक्षत्र वैज्ञानिक थे दोस्तों और गणितज्ञ थे। ठीक, और इन्होंने ग्रेविटी की सबसे पहले खोज की थी। यानी आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण के जो नियम पढ़ते हैं हम लोग, आपको पता होगा कि न्यूटन ने खोज किया था, एप्पल जो है गिरा था, उससे जो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ब्रह्मगुप्त हैं तो उन्होंने जो है ग्रेविटी के बारे में बहुत पहले बता दिया था। ठीक है, यानी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेते हैं पल्लकाणु। हस्त्यायुर्वेद पशु चिकित्सा पर ये मेनली फोकस है। तो पल्लकाणु में क्या लिखा हुआ है? हस्त्यायुर्वेद, और ये आपका मेनली पशु चिकित्सा पर आधारित है। ठीक है, चलिए आप ये भी देखते होंगे कि गुप्ता एम्पायर में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियों का भी वर्णन मिलता है। तो नुस्खे, सूत्र और किन किन चीज़ों का, उपचार विधियों का वर्णन हमको नवीनतम हमको किससे देखने को मिलता है? गुप्त साम्राज्य से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। यानी आज के टाइम पे जो हम लोग पुराणास को देखते हैं, पुराण देखते हैं, तो उनकी जो रचना हुई है तो वो गुप्त काल में हुई है। ठीक है, इसके पहले मेनली वो अन्य थोड़ा कठिन भाषा में या संस्कृत भाषा में थे, या फिर कह सकते हो कि अनुवादित रूप जो आया है नवीनतम वो आपका गुप्त काल में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। चांदी सिक्कों को रूप क्या कहा जाता था? तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। और जो चांदी के सिक्के जो चलते थे उनको रूपेका कहा जाता था। एक होता है रूपक, एक होता है रूपेका। तो गुप्त काल में रूपेका कहा जाता था। ठीक है, और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। नेक्स्ट है याज्ञवल्क। नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। यानी याज्ञवल्क की, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना कब हुई है? गुप्त काल में हुई है। ठीक, मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा सर्वाधिक ग्राम अनुदार मंदिर एवं ब्राह्मणों को। अच्छा, इसके पहले हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि हमने देखा था लक्ष्मण सेन का मंदिर, और इसके पहले दशावतार मंदिर जो ललितपुर यूपी का देखा था, और इसके पहले भी हमने कई सारे एमपी में दो तीन मंदिरों के बारे में देखा था।
यानी मंदिर बनाने की जो शैली सबसे ज़्यादा विकसित हुई तो वो गुप्त काल में हुई, और मंदिर बनाने की कला का विकास आपका गुप्त काल से ही होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका त्रिमूर्ति की अवधारणा, सर्वाधिक ग्राम अनुदान मंदिर एवं ब्राह्मणों को। तो गुप्त काल के जो राजा थे वो सबसे ज़्यादा जो है दान किसको देते थे, मंदिरों को देते थे या ब्राह्मणों को देते थे। ठीक है, भास के 13 नाटक गुप्त काल से ही हमें, यानी भास के 13 नाटक कब के हैं, तो ये गुप्त एम्पायर के समय के ही हैं, गुप्त काल के ही टाइम के हैं। ठीक है, मृच्छकटिकम, अब ये इम्पोर्टेंट है, अब आपको पता होगा इस बार जो है ये आरओ यारओ के पेपर में पूछा, आरओ यारओ या एपीएस के पेपर में पूछा गया था कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है। ठीक है, इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है, राजा दुष्यंत एवं शाकुंतला की लव स्टोरी का इसके में वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, और इसमें मेनली क्या दिखाया गया है, राजा दुष्यंत और शाकुंतला के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। अगला है दूसरी रचना जो है आपको यहाँ यह देखने को मिलती है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद प्रथम भगवद्गीता, यानी ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये दूसरी रचना है, इसके पहले आपको सर्वाधिक भाषाओं में कोई अगर बुक पुस्तक का अनुवादित हुई है तो भगवद्गीता है। भगवद्गीता का सबसे ज़्यादा आपका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। दूसरी सबसे ज़्यादा अनुवादित भाषा कौन सी, अनुवादित रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण स्वर्ण काल कहा जाता है। अच्छा, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, गुप्त काल को गुप्त काल क्यों कहा जाता है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से, उस समय के जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ थे या कल्चरल अचीवमेंट्स जो थे वो उस समय, आप ये समझ लो कि पूरा जो भी व्यापार व्यापार इतना होता था कि हमें किसी भी कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और हमारा जो है आर्किटेक्ट इतने बढ़िया थे कि जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है अपने एक कह सकते हो कि पीक पर था। इसी वजह से उसको गुप्त काल में मतलब भारत में स्वर्ण युग कहा जाना चालू कर दिया गया था उस समय, यानी गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण काल कहा जाना लगा था, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक अचीवमेंट्स बहुत अच्छे थे, कल्चरल अचीवमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नगरों का क्रमिक परिवर्तन भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, ये महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी नगरों का क्रमिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर में, और आप ये समझिए कि वो भी क्रमिक परिवर्तन का मतलब वन बाई वन करके, और ये एक गुप्त काल की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए होंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वाकटक राजवंश होगा, वाकटक राजवंश से अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।